Assalamu alaikum, beautiful people. Welcome back to eSabak. Myself Rehan, and today we are here with a new tutorial. In this tutorial, we will discuss Darwin impact on geography, which is a part of paper geographical thought. In this module, the learning objectives are: number one, to understand the concepts given by Darwin, especially with the reference to the origin of species. Number second, to examine the impact of Darwin's writing on geography. Number third, to discuss the fourth theme on which Darwin wrote. And the final, number fourth, to examine why the fourth theme of randomness was ignored by Darwin and even skipped by geographer. ये जो fourth one objective है, ये बहुत ही ज़्यादा important objective है, और आज के इस tutorial में हम study करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि fourth objective को Darwin ने भी skip कर दिया और even geographer ने भी इसको skip कर दिया. और जो डार्विन की फंडामेंटल थ्योरी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय द मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इस थ्योरी से ज्योग्राफर ने क्या कंसेप्ट निकाले, क्या थीम्स निकाले. वो थीम्स हैं द आइडिया ऑफ चेंज थ्रू टाइम, द आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द आइडिया ऑफ स्ट्रगल एंड सिलेक्शन, एंड द रोल ऑफ रैंडमनेस एंड चांस वेरिएशन ऑफ करेक्टर एंड नेचर. और फाइनली हम डिस्कस करेंगे डार्विन ने ज्योग्राफी के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन दी, ज्योग्राफी के अंदर उसका क्या इम्पैक्ट रहा. सम ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ डार्विन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल कंसेप्ट, और इम्पैक्ट ऑन जियोमॉर्फोलॉजी, इम्पैक्ट ऑन लैंडस्केप्ड, इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन ज्योग्राफी, इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड इम्पैक्ट ऑन कल्चरल ज्योग्राफी. और आज के इसी ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे डार्विन इम्पैक्ट ऑन ज्योग्राफी. एंड फ्रेंड्स, चलते चलते आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि फ्यूचर में हम जो भी वीडियो अपडेट करेंगे आपको उसकी डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. ऑलराइट गाइस, बिफोर डिस्कसिंग द टाइटल, वन शुड नो अबाउट डार्विन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ज्योग्राफी. पहले हम डार्विन के बारे में जान लेते हैं वो कौन थे. डार्विन वॉज ए बायोलॉजिस्ट एंड ए ग्रेट जियोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम. ही वॉज बॉर्न ऑन 12th of February 1809 इन लंडन. डार्विन वॉज नॉट ऑनली ए साइंटिस्ट बट ए मैन ऑफ हाई साइंटिफिक टेम्पर. वो बहुत ही ज़्यादा जहीन थे. एक तो साइंटिस्ट थे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा जहीन भी थे उसके साथ साथ. वन थिंग दैट इज़ वेरी इंटरेस्टेड अबाउट डार्विन इज़ दैट डार्विन ऑप्टेड फॉर मेडिकल साइंस ज्यूरिंग हिज स्कूल लाइफ. बाई द कंपल्शन ऑफ हिज पेरेंट, ही गॉट एडमिशन इन मेडिकल प्रोफेशन बट कुड नॉट कम्प्लीट द डिग्री बिकॉज ऑफ नो इंटरेस्ट एंड लेफ्ट द कोर्स इनकम्प्लीट एंड देन डिड द ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इन 1831. डार्विन के बारे में इंटरेस्टेड बात यह है कि डार्विन ने मेडिकल प्रोफेशन को ज्वाइन किया था बाय द कंपल्शन ऑफ हिज पेरेंट्स, बट उसको खुद कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा था मेडिकल में, इसलिए उसने कोर्स को बीच में ही छोड़ दिया और फिर उसने अपनी ग्रेजुएशन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1831 में. ही वॉज द फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन एंड रेसिपेंट ऑफ सो मेनी ऑनर्स एंड अवार्ड्स. उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते थे एंड ही हैज़ लार्ज नंबर ऑफ पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट, बट द पब्लिकेशन फॉर विच चार्ल्स डार्विन वॉज फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड वॉज द बुक इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज, जो लिखी गई थी 24th of November 1859. ये जो पब्लिकेशन थी, इसी की वजह से डार्विन जाने लगे, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए. अब हम देखेंगे कि ये जो इनकी थ्योरी थी, ये जो इनकी पब्लिकेशन थी, इन्होंने इसमें इन्होंने क्या बताया था. It was a landmark in the history of scientific world and the work was acknowledged throughout the world. अब हम देख लेते हैं कि ये जो थ्योरी थी, इसके फंडामेंटल कंसेप्ट क्या थे. The fundamental ideas in the Darwin theory of evolution includes: number one, the struggle for existence; number second, variation with species within species; and number third, survival of fittest; and the number fourth is natural selection. हम एक एक करके यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इनको डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट फंडामेंटल कंसेप्ट, इन नेचर देर इज कंटिन्यूस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एमंग द वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल. साइंटिफिक एविडेंस शोज दैट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड एनी स्पीशीज रिमेन ऑलमोस्ट कंस्टेंट. अब साइंटिफिक एविडेंस क्या बताते हैं कि अगर कोई भी कम्युनिटी देखा जाए, कोई भी स्पीशीज देखा जाए, तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ एनिमल्स होते हैं वो कंस्टेंट रहते हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन कंस्टेंट रहती है. अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये ऐसे पॉसिबल हो सकता है क्योंकि जितनी ऑफ स्प्रिंग पैदा होते हैं, इतनी वहाँ से डेथ हो जाती हैं. सिंपल सा केस है, जितनी ऑफ स्प्रिंग पैदा होकर उनकी बर्थ होगी, फिर वो मैचर स्टेज पर पहुँचेंगे, जो ऑलरेडी मैचर थे वो ओल्ड स्टेज पर चले जाएंगे और फिर ऑटोमेटिकली उनकी डेथ हो जाएगी, और इस तरह कोई भी पॉपुलेशन कंस्टेंट रहती है.
और जो सेकंड फंडामेंटल कंसेप्ट है वेरिएशन विद इन स्पीशीज, इसमें उसने क्या बताया, वी फाइंड दैट इन एनी गिवन जनरेशन देर इज कंसिडरेबल वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल एंड एनी सोसाइटी। हम आज की मिसाल देख लेते हैं जो हमारी जनरेशन है, जो हमारी कोई भी सोसाइटी है ह्यूमन की देख लेते हैं, तो वहाँ पर कोई भी चीज़ सेम नहीं है, हर एक जगह वेरिएशन है, कोई ब्लैक है, कोई वाइट है, कोई टॉल है, कोई फैट है, कोई स्लिम है, मतलब सेम कोई भी नहीं है, वेरिएशन है विद इन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स। द सेम इज ट्रू अबाउट अदर ऑर्गेनिज्म एंड नेचर। अब नेचर में भी जो भी अदर ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे भी कुछ वेरिएशन नहीं है, बल्कि वहाँ पे भी कुछ सिमिलरिटी नहीं है, वहाँ पे बल्कि वेरिएशंस हैं। हाँ, जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं वो काफ़ी हद तक सेम होते हैं, लेकिन 100% हम उनको भी सेम नहीं कह सकते, बट ऑलमोस्ट दे आर सेम। डार्विन रोट दैट व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स belonging to a single species are examined, we find considerable variation among them in regard to structure, complexion, activity pattern, difference appearing, and which is passed from one generation to another generation. अब डार्विन ने क्या कहा कि जो भी हमारे पास स्पीसीज है उनमें भी इस तरह वेरिएशन होती रहती है, कोई एक दूसरे से रेजेम्बलिंग नहीं है। उसने एग्जाम्पल ये दी कि चिल्ड्रन ऑफ टॉल पेरेंट्स टेंड टू बी टॉल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उसने एग्जाम्पल दी कि जो पेरेंट्स होते हैं जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, ओबियसली उनके जो चिल्ड्रन होगी उनकी भी हाइट ज़्यादा होगी। द थर्ड फंडामेंटल कंसेप्ट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यह है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और ये आजकल हमारे साथ भी हो रहा है, मतलब आप कहीं भी जाओ, किसी भी सेक्टर में चले जाओ तो ये कंसेप्ट वहाँ पे अप्लाई होता ही होता है। आप एजुकेशन में ले लो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, किसी भी सेक्टर में चले जाओ जो फिट है वही हिट है। अब इसमें उसने क्या कहा, वैसे हमने जो सेकंड कंसेप्ट में पढ़ा था कि किसी भी स्पीशीज़ को ले लें वहाँ पे जो इंडिविजुअल होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, कुछ स्ट्रांग होते हैं, कोई वीकर होते हैं, किन के पास पावर ज़्यादा होती है और किन के पास पावर कम होती है। अब ऐसी सोसाइटी में क्या होता है कि जो स्ट्रांग होते हैं वो डोमिनेट करते हैं जो वीक होते हैं उनको। नाउ इट इज़ क्लियर दैट ऑनली द स्ट्रांगेस्ट द फिटेस्ट शैल सर्वाइव। हमने देखा कि किसी भी कम्युनिटी के अंदर, किसी भी स्पीशीज़ के अंदर या अमंग द डिफरेंट स्पीशीज़ क्या होता है कि जो फिटेस्ट होते हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं लॉन्ग टाइम तक, जो वीक होते हैं, जो वीकड होते हैं या जो बीमार वगैरह होते हैं उनको मार दिया जाता है, और जो राज करते हैं, जो डोमिनेंट कम्युनिटी होती है वो स्ट्रांग स्पीशीज़ की होती है। और इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी समझ आता है कि जो कमिंग जनरेशन होती है वो भी स्ट्रांग होती है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, क्योंकि क्या होता है जो प्रीवियस में जो वीक थे वो तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके थे, अब स्ट्रांग बचते हैं और करेक्टर यहाँ पे इनहेरिटेंस ट्रांसफर होती है फ्यूचर जनरेशन में, और जो फ्यूचर जनरेशन होती है वो भी काफ़ी हद तक स्ट्रांग होती है। हाँ, उनमें भी अलग अपना मुकाबला होता है, उनमें भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वहाँ पे भी ये लॉ वहाँ पे भी अप्लाई होता है। द फोर्थ एंड द फाइनल फंडामेंटल कंसेप्ट इज नेचुरल सिलेक्शन। यही वो फंडामेंटल कंसेप्ट है जो ये बताता है कि जो पोलर बेयर है वो पोल्स पे क्यों रहता है, वो इक्वेटर्स पे क्यों नहीं रहता है। द एनवायरमेंट इटसेल्फ अंडरगोज ए स्लो प्रोसेस ऑफ लॉन्ग टर्म चेंजेस। जो एनवायरमेंट होती है उसमें चेंजेस आती रहती हैं। जब कभी भी एनवायरमेंट चेंज होता है या क्लाइमेटिक चेंज आ जाती है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो कंडीशन होती हैं वो ज़्यादा हार्श हो जाती हैं। अब जो स्पीशीज़ होती हैं अगर वो एडजस्ट कर लेती हैं उस एनवायरमेंट को तो वो सर्वाइव रहेंगी, जो एडजस्ट ना कर पाएं वो तो उनकी डेथ तो लाजमी है। जिस तरह हम देख लेते हैं डायनासोर के बारे में, वो क्लाइमेट के साथ, वो एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट ना हो पाए एट टाइम, इसलिए उनकी एक्सटेंशन होगी। और इस प्रोसेस से क्या होता है कि रीफ्रेशमेंट, यहाँ पे रीसाइकिल शुरू हो जाती है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पे नेचर सेलेक्ट करता है कि किसको रहना है और किसको नहीं रहना है। जो नेचर के साथ विथस्टैंड होगा उसी को रहना होगा, और जो उसके साथ विथस्टैंड नहीं हो पाएगा अल्टीमेटली दैट वन हैज़ टू डाई। इन्हीं चार फंडामेंटल कंसेप्ट से जो डार्विन ने दिए थे, ज्योग्राफर ने अपनी थीम्स निकाली, जो ज्योग्राफी के कोर कंसेप्ट बन के, वो थे द आइडिया ऑफ चेंज थ्रू टाइम, द आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द आइडिया ऑफ स्ट्रगल एंड सिलेक्शन, एंड द फाइनल वन इज द रोल ऑफ रैंडमनेस एंड चांस वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर एंड नेचर। हम इन थीम्स को, इन जो कंसेप्ट है अब इनको हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नाउ वी विल डिस्कस द आइडिया ऑफ चेंज थ्रू टाइम। ज्योग्राफर वेर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस फर्स्ट आइडिया ऑफ डार्विनिज्म। अब जो डार्विन की जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ ओरिजिन थी, इसे ज्योग्राफर ने क्या क्या आइडिया डिड्यूस किया। जो पहला वन था, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एम डेविस लैंडफॉर्म इज द फंक्शन ऑफ प्रोसेस स्ट्रक्चर एंड टाइम। और जो दूसरा आइडिया लिया वो डार्विन ने खुद डिड्यूस किया। डार्विन हिमसेल्फ डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ इन 1872। अब जो कोरल रीफ की फॉर्मेशन थी वो सबसे पहले डार्विन ने ही दी। उसने क्या कहा, ये जो कोरल रीफ बने हैं ये सिक्वेंशियल मैनर में बने हैं, एब्रप्टली कुछ भी नहीं हुआ है। सबसे पहले जो बना था वो फिनगिंग रीफ बने थे, उसके बाद बैरियर रीफ बने थे, और उसके बाद एटोल बने। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सब प्रोसेस हुई है।
The next concept was in the field of pedology, and we can say that soil geography. It was Hunt Jimmy that soil formation is the function of climate, topography, vegetation, parent rocks and time. अब जब soil बनती है तो वो भी abruptly नहीं बन जाती है, बल्कि उसी भी क्या हो जाता है, struggle for existence हो जाती है, मतलब with the passage of time बनती है, abrupt नहीं बनती है. The next concept from the idea of change through time was ecological succession. Ordinary development of species over a period of time was given by Hult 1885. And the next idea was in the settlement geography there is a concept of evolution of settlement over time. ये थे कुछ concept जो first idea से deduce किए गए थे. Now coming to the next idea, the idea of organization. This idea also led to the development of some concept in the discipline of geography somewhere. The concept of ecosystem, which was given by A.G. Tensile in the year 1935. The idea of human ecology by H.H. Burrows in 1910. And the concept of human ecology revealed the geomorphic climatology, geomorphology, biogeography together constitute as human ecology. And also the philosophy of determinism versus possibilism given by Faber are based on the concept of Darwin's second idea. Now coming to the third idea, the idea of survival of the fittest. This idea states that survival of fittest has played an important role for the development of political geography on the basis of the idea. German scholar Frederick developed the concept of political geography. Actually, the concept of political geography was first developed by Frederick and from the basic concept of liberalism. From the same idea, that means from the idea of survival of the fittest, British geographer Helder J. Mackinder developed the concept of heartland theory, which is also known as geographical pivot of history. Now coming to the fourth and last fundamental theme, that is idea of randomness. स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये जो आइडिया था ये ज्योग्राफर ने भी स्किप कर दिया था और इवन डार्विन ने भी स्किप कर दिया था. हम देखेंगे कि आखिर क्यों उन्होंने ये स्किप कर दिया. इट वॉज इग्नोर्ड बाई ज्योग्राफर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, बट इट वॉज रिसेंटली फॉर द लास्ट टू और थ्री डिकेज ज्योग्राफर स्टार्टेड यूजिंग दिस आइडिया इन द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी इन द फॉर्म ऑफ आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी नाउ एड लार्जली यूज बाई ज्योग्राफर. पहले तो ये स्किप कर दिया गया था क्योंकि इसके बारे में उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन आजकल ज्योग्राफर इसको यूज़ कर रहे हैं एम्पिरिकल डेटा कैलकुलेट करने के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए. इट इज़ टू बी मेंशन दैट इट हैज़ वाइडर एप्लीकेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी. अब इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई हैं. कौन कौन सी हैं? एज कोटेड बाई डेविस हेलरी एक्सप्लेनेशन एंड ज्योग्राफी. डेविस की एक बुक थी एक्सप्लेनेशन एंड ज्योग्राफी. उन्होंने इसमें क्या बताया, दैट थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड ए लैंग्वेज फॉर प्रोवाइडिंग वैरायटी ऑफ एम्पिरिकल प्रॉब्लम्स. तो ये जो आइडिया था, अब इससे हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करेंगे और एम्पिरिकल जो भी प्रॉब्लम है हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस आइडिया से. ऑलराइट फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ डार्विन टू द डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इम्पैक्ट ऑफ डार्विन इम्पैक्ट ऑन ज्योग्राफी. आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. तब तक हैव ए नाइस टाइम अहेड.